हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं मोहित, आप देख रहे हैं एजुआ पॉइंट। दोस्तों, आज एक नई फेलोशिप के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। एसबीआई यूथ इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम 2020, जिसको एसबीआई बैंक के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलीज की गई है। दोस्तों, 13 मंथ का ये प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि यूथ इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम है क्या। तो ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है, 13 मंथ का प्रोग्राम होता है, जिसमें इंडिया के ब्राइटेस्ट यंग माइंड को एक साथ इकट्ठा करके एक जगह पर रूरल कम्युनिटी की जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इनको एनजीओ के एक्सपर्ट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जिससे कोई प्रॉब्लम हो तो ये उसमें अपना योगदान दे सकें। तो सबसे पहले हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप अगस्त 2020 तक अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लेते हैं, या इससे पहले आपने ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है और आप 21st से लेके 32 ईयर ओल्ड के बीच में हैं, आपकी एज क्राइटेरिया ये है, तो और आप इंडियन या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेशर और एक्सपीरियंस, दोनों कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। 13 मंथ का टोटल प्रोग्राम रहेगा। इसके बाद ये एक्सपेक्टेशन इनका क्या है भी, ये ऐसे एप्लीकेशन की तलाश में है जो कि पुलिस लेवल पर जाकर एक ग्रास रूट लेवल पर वर्क कर सकें, वहाँ की समस्याओं का थोड़ा निदान कर सकें। तो ठीक है, इनका जो मोटो है, जो विज़न है, मैं बता देता हूँ आपको। ये चाहते हैं कि ये एक भी गांव ऐसा ना छूटे जो कि वो इस चीज़ से वंचित हो जाए कि वो अपनी समस्याओं का खुद निराकरण ना कर सके। ठीक है, इनका मिशन ये है कि ये ऐसा ट्रस्ट गेटवे तैयार कर रहे हैं हायर टैलेंटेड का, जो इनके रूरल डेवलपमेंट में भागीदारी निभाए और मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ हैं उनको बेनिफिट दे सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट कैसे होगा। तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर बीपुट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है इसका। इंटरेस्टेड कैंडिडेट को रजिस्टर करना होगा और फॉर्म को फिल करना होगा। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको नोटिफाई किया जाएगा ऑनगोइंग बेसिस पर। कहने का मतलब है, आप रजिस्टर कर देते हैं तो उसके उसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में आपको बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से या नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई रिजल्ट की डेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनके कॉन्टैक्ट में वो कंटिन्यूसली रहेंगे, शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट के कॉन्टैक्ट में। इसके बाद इंटरव्यूज़ का प्रोसेस है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा इनके सेंटर पर, जो कि मेजर सिटीज़ में है इंडिया के। फाइनल सिलेक्शन और बैकग्राउंड रिसर्च, कैंडिडेट सेलेक्ट पोस्ट इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड बाय ईमेल एंड बाय एसएमएस। ऑन कन्फर्मेशन कैंडिडेट विल बी सेंट ए ऑफर लेटर स्पेसिफाइंग डिटेल ऑफ द प्रोग्राम, फेलोशिप सपोर्ट एंड टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ द फेलोशिप। ही शी विल आल्सो हैव एक्सेस टू फर्दर मटेरियल अबाउट द प्रोग्राम एरिया ऑफ आर पार्टनर एनजीओ। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो इसमें 3 प्रोसेस हैं, उसके बेसिस पर आपको इसमें वर्क करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आप एनजीओ के साथ मिलकर काम करेंगे, वो आपके एक्सपर्ट, उनके एक्सपर्ट आपको बताएंगे किस तरह से आपको अपना योगदान देना है। इसकी इसमें एक प्रोजेक्ट की लिस्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस प्रोजेक्ट में आपको काम करने को मिलेगा। एजुकेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट, वाटर, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल लाइवलीहुड, सेल्फ गवर्नेंस, हेल्थ सेक्टर, फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अल्टरनेट एनर्जी। दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन है आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, मुझसे पूछ सकते हैं आप कोई भी क्वेरी हो। इसमें बहुत सारे FAQ क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने FAQ क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि फेलोशिप के बारे में अगर अभी कोई क्वेरी है, सेकंड एप्लीकेशन की प्रोसेस में कोई क्वेरी है, थर्ड पोस्ट सिलेक्शन के बेसिस पर कोई क्वेरी है, या फिर फोर्थ लिविंग इन द प्रोजेक्ट लोकेशन में कोई क्वेरी है, तो आप जाकर FAQ चेक कर लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो वैसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फेलोशिप सपोर्ट की। फेलोशिप अमाउंट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, आपको 15,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा स्टाइपेंड, और लोकल ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 1,000 पर मंथ, और एडजस्टमेंट अलाउंस होगा 15,000 रुपीज़ का अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप। ठीक है, मतलब फेलोशिप कंप्लीट होने के बाद आपको 50,000 रुपीज़ का अमाउंट मिलने वाला है। टू एंड फ्रो ट्रैवल कॉस्ट आपको दी जाएगी आपके प्लेस से और जहाँ पर काम करने आपको जाना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस में प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप दी जाएगी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के द्वारा, बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित होने वाली है। एसेस टू कम्युनिटी थ्रू वेल एस्टेब्लिश पार्टनर एनजीओ के अंतर्गत काम करने का आपको मौका मिलेगा। अगर आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बहुत सारी इंटर्नशिप, फेलोशिप, अदर एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।